देखा, अभी मैं हेल्थ एक्सपेंडिचर के दो पॉइंट मैंने आपको समझाए, और एक तीसरा पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है कि अगर आप हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हो अपनी, तो आपको अपनी किसका ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट का, और डाइट के साथ किसका ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज का। सिंपल मेन पॉइंट क्या है, लोगों की तबीयत अगर खराब हो रही है, अगर वो हेल्दी नहीं रह रहे, तो दो बेसिक रीजन होंगे, एक तो उनके आसपास सफाई नहीं है, और एक उनका खाना पीना सही नहीं है। अब हम खाएंगे फास्ट फूड, है ना, हाँ खाएंगे फास्ट फूड, बर्गर खाएंगे, तो बेटा, और फिर हम कहें कि हम फिजिकली हेल्दी रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। आप मजाक में कह रहे हो, रियलिटी बिल्कुल सही यही है कि क्या खाने चाहिए, चने खाने चाहिए, लेकिन मैगी खाने वाले लोग कहाँ चने पे आएंगे, है ना। तो मेन पॉइंट यही है, अगर शान आप डाइट का और सैनिटेशन का ध्यान रखोगे, तो आप हेल्दी और स्ट्रोंग रहोगे, आप फिजिकली एक्टिव रहोगे और एनर्जाइज रहोगे। एक और बात, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कौन, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कौन फिजिकली डेली बेसिस पे, अभी तो आजकल जिम दिखावे के लिए बहुत होने लग गया, होने पता नहीं बेटा, ज्यादा भी नहीं करना होता ना, 1 घंटा ही करना होता है, और ट्यूशन भी आना होता है बेटा। देखो ह्यूमन कैपिटल में सब आ रहा है, खाली बॉडी तो बना ली, यहाँ कुछ है नहीं, तो बेटा बड़ी दिक्कत है ना बेटा। इस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है। अच्छा, कौन कौन अपना फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कोई भी, चाहे वो वॉक हो, जिम हो, कोई गेम हो, डेली बेसिस पे 1 घंटा, बेटा सोना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, है? हाँ बेटा, मैं तो अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कैसे कहूंगा किसी को, है? क्या कह रहे हो, ट्यूशन ना? बिल्कुल शायद, आखिरी पॉइंट बेटा, जब दो बच्चों ने हैंड रेस किया, कोई कर ही नहीं रहा, अच्छी बात है, ना करो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भैया हमने, चलो बुकिश नॉलेज ले ली, चलो भैया हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया, चाहे हमने फिजिकल एक्टिविटी करी या मेंटल करी, कर लिया भैया कुछ ना कुछ, भैया अब क्या करें इसके बाद। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, बुकिश नॉलेज लेने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बेटा ये बुक कोई पैसे नहीं देगी जब आप उसे प्रैक्टिकली यूज करना नहीं जानते। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली स्किल्स अपनी इंक्रीज करना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेनिंग का रोल क्या है, और आज के दिन ट्रेनिंग हर एक जगह मिलती है, आप कोई भी कोर्स कर लो, आप सीए की बात करो, डॉक्टर की बात करो, दोनों को ट्रेनिंग मिल रही है। हम डॉक्टर की बात करते हैं, भाई डॉक्टर को 10 बार पढ़ा दिया गया कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कल को ऑपरेट करोगे, तो कौन सी नस को ध्यान से काटना चाहिए, है ना, कैसे उसे फिर स्टिचेस लगाना चाहिए, लेकिन आज तक उसने करके देखा नहीं कुछ, सीधा उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, ले भाई जो कर सकता हो कर ले, है ना। अब बेटा वो पहली बार वो वहां पे आया, बेटा जो हाथ है ना ऐसे कांपेंगे ना कि काम भी नहीं करनेंगे बेटा। ये बहुत जरूरी है, जब आप किसी को बुकिश नॉलेज दे रहे हो, उसे वही काम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग में करना सिखाओ, तभी उसके स्किल्स बढ़ेगी, तभी उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तभी वो कल को पैसा कमाएगा। ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है बुकिश से भी, इतनी बात याद रख लेना, दोनों की अपनी रेलेवेंसी है। बुकिश प्लस ट्रेनिंग इज द डेंजरस कॉम्बिनेशन। खाली ट्रेनिंग दे दोगे, जिसे बुकिश नॉलेज नहीं आती, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मतलब ग्रोथ नहीं होगी उसकी। ग्रोथ करनी है तो पहले पढ़ो और उसे फिर इम्प्लीमेंट करके देखो कि इसे करना कैसे है। आप खुद, मैं तो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो ना, उसे पहले सिखाया जाता है, पहले उसे डेड बॉडी पे काम करना सिखाते हैं, कितने सिनेरियो में डेड बॉडी के बाद फिर पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, 10-15, मतलब वहां पे लोगों को, बच्चों को एक डॉक्टर सिखा रहा है, वो कहता है हमारे सामने जरा पहले करके दिखाओ, जब वो पढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता रहता है, तब जाके उन्हें अलाउ करते हैं। अच्छा हाँ, और इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है इमोशंस, वो इमोशन लेस होके काम करेंगे। अगर किसी डॉक्टर को ये कह दिया ना कि अच्छा ये आपकी फैमिली से है, तो मे भी वो उसको ऑपरेट ही ना कर पाए, क्योंकि उसे वहां पे डर लगेगा कि अगर मेरे हाथ से गलती से भी कुछ हो गया
ये तो मेरी फैमिली से है, मुझे खोने के चांसेस कितने बड़े हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो काम करें, सबसे पहले वो अपने इमोशंस पे काम करें, तभी वो उस काम को सही से कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग से हो क्या रहा है बेटा, ट्रेनिंग कंपनी के लिए बहुत महंगी पड़ती है, सस्ता नहीं होता ट्रेनिंग देना। लेकिन उस महंगे इतना पैसा लगाने के बाद भी उन्हें पता है कि हमारे कल को जो लेबर है, जो एम्प्लॉई है, उनकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो खर्चा हो उसे हम इजिली क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। बेटा हर एक जगह ट्रेनिंग का यूज है। आप अगर कल को होटल मैनेजमेंट में जाते हो तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स में क्या होती है, ट्रेनिंग। मैं सीए की बात करूं, सीए बुकिश नॉलेज लेता है, वो जीएसटी पढ़ रहा है, इनकम टैक्स पढ़ रहा है, 3 साल उसे एक सीए के अंडर रह के काम भी सीखना पड़ता है। 3 साल बेटा, दोनों बेटा, अभी खाली वो अनाउंस हुआ, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पता है जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन मैं 3 की जगह कितना बोला करूंगा, 2 साल। ठीक है, फिलहाल पढ़ लेते हैं बेटा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या बढ़ जाती है, स्किल्स और एक्सपर्टाइज। एंड ये जनरली कहाँ पे होता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में। जब फर्म ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने इम्प्लॉयज को, तो वो दो तरीके से दे सकती है, या तो वर्कर को ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस का मतलब कहीं और भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, या वर्कर को आप अपने यहाँ ही ट्रेन करोगे विद इन द फर्म। बेटा ये बात है, आप बीएससी में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते हो, पूरा टॉपिक है स्टाफिंग में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, कॉस्टली। लेकिन ये इंसिस्ट करते हैं वर्कर को कि आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए काम करो, जिससे आपकी क्या इंक्रीज हो सके। बेटा सारा खेल स्किल का है। जब स्किल्स बढ़ेगी, पहले अगर आपने कमा लिया, सॉरी मतलब पहले अगर आपने सीख लिया लर्न, तो एल अपने आप ही मूव होके वो कल को बहुत ज्यादा क्या बनने वाली है, अर्निंग बनने वाली है, आपकी बहुत ज्यादा हाइयर रिटर्न होगी। तो ये पॉइंट जरूरी है। ट्रेनिंग से आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे आप एक किसी भी फर्म में अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। बेटा ट्रेनिंग के 2-3 एग्जांपल्स नहीं है, हर एक जगह ट्रेनिंग देते हैं। चाहे आपको एक अच्छा कल को आर्मी ऑफिसर भी बनना है, आपने ब्लैक कमांडो सुना होगा, एक पूरी की पूरी उनपे एक वो बनी हुई है, डिस्कवरी वगैरह पे पूरा शो, जहाँ पे वो बताते हैं कि कितनी भाई साहब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। 3 दिन उन्हें 1 मिनट भी नहीं सोने के ऑप्शन देते। जब वो बंदा वो टेस्ट पास कर लेता है ना, तब जाके हम भाई साहब उसे क्या बनाते हैं कि ये ब्लैक कमांडो की डेफिनेशन में आएगा। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लिख लिए, आपको ट्रेनिंग आ गई, आप फिजिकली हेल्दी हो, लेकिन जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में वो काम ही नहीं है, तो क्या करोगे बेटा वहां काम करके। आपको क्या आप करना पड़ेगा, माइग्रेट। बेटा माइग्रेट क्यों करते हैं, बस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ बेटर करियर। आप भी तो माइग्रेट करोगे, और मैं तो क्लियरली कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए बेटा, बिल्कुल करना चाहिए माइग्रेट। क्या रखा है ये हमारे गांव जैसे शहर में रह के, छोटा सा है नहीं, 2 किलोमीटर इधर गए, 2 उधर गए, खत्म हो गया शहर। जब बेटा बाहर जाओगे तभी तो सीखोगे बेटा, नए लोगों से मिलोगे, पता चलेगा कि कितने टाइप, कितने स्किलफुल लोग है बेटा। बात ना हो बेटा, माइग्रेशन करने में पैसा खर्चा, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है या नहीं, दिल्ली और यहाँ अगर आप 20,000 रुपये में अपना सही से हिसाब किताब अगर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां कम से कम भी, लेकिन फिर भी लोग वहां जा रहे हैं बेटा। मेन पॉइंट ये है, वहां पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी तो ज्यादा है बे। अंबानी जी यहाँ तो अपनी फैक्ट्री नहीं लगा रहे ना, अंबानी जी और अडानी जी का ऑफिस यहाँ तो नहीं है, बाहर की कंपनी इंफोसिस और टीसीएस यहाँ पे अपना ऑफिस तो नहीं खोल रही, वो ऑफिस तो वहीं खुला हुआ है, तो आपको जाना वहीं पड़ेगा। भाई बेंगलोर और हैदराबाद क्यों डेवलप हो गया, वहां पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वहां पे बाहर से एमएनसीज आ रही हैं। माइग्रेशन एक बहुत ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इससे क्या इंक्रीज हो जाती है, अर्निंग। माइग्रेशन 2 तरीके से होगा, या तो तुम जैसे गांव में रह रहे हो अभी, यहाँ गांव से कहाँ चले जाओ, और क्यों जाते हैं जनरली जॉब्स में, या एक दूसरा माइग्रेशन सबसे बढ़िया से आप पे खत्म। हाँ, है ना, सीधा ही भाई साहब, इंडिया को टाटा बाय बाय सी यू, किसे जाना है भाई साहब, रशिया। हाँ बेटा चले जाओ, किसी ने मना कोई करा, बिल्कुल
माइग्रेट बेटा, उन्होंने तो बोला नहीं हम गलत सोच रहे, आपने बोला वो गलत सोच रहे, ठीक है, माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। लेकिन बेटा एक बात और लिखी, अगर तुम सोचो कि हम चलते बने आज ही, तो बेटा वो बुला तो लेंगे वहां पे, लेकिन फिर वहां पे तुम काम भी वैसे करोगे, टैक्सी ड्राइवर, वेटर, है ना, उसके अलावा होटल में बर्तन मांज रहे होंगे। बेटा ये आधे से ज्यादा इंडियन जो अनपढ़ जो है ना कनाडा चले, है ना, तो बेटा वो अनपढ़ लोग यही काम करते हैं। अगर बाहर जाना है तो बेटा, बाहर जाना है तो क्या पहले अपने आप को लगा लो, क्वालिफाइड पर्सन माइग्रेट टू अदर कंट्री ड्यू टू हाइयर सैलरी एंड बेटर करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा माइग्रेशन से क्या तो बढ़ेगी, लेकिन ये कैसे रिकवर हो जाएगी, बढ़िया पैसा कमाओगे, खर्चा भी बढ़िया होगा। ये लिखा हुआ है लर्न अर्न और लीड। लोगों ने अपने आप ही प्रीमेच्योर एवोल्यूट किया, भैया बस भैया बस भैया, चार हो गए, अब हमारी हिम्मत नहीं और बढ़ने की। मैंने कुछ कहा नहीं किसी को भी, मेंटली वीक होने लग गए, इतना तो मैंने अत्याचार किया भी नहीं, अभी कर दिया इतनी देर में। बेटा ये तो तुम एक चीज तो भूल ही रहे हो डेली बेसिस पे, बेटा फोन का अपना यूज करो, रिमाइंडर उसमें सीरी है तो सीरी को बोलो हे सीरी, है